Hi guys, good morning. I hope you guys are fine. So I have been asked a lot many times regarding the स्किन केयर फॉर द मॉम्स कि यू नो कौन सा स्किन केयर हम अपनी मॉम के लिए परचेज करें, कौन सा स्किन केयर सूटेबल होगा फॉर दिस स्किन टाइप दैट स्किन टाइप. सो आज की वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट द स्किन केयर रूटीन विच माई मॉम फॉलोज एंड जो भी रूटीन मैंने उनको सेट करके दिया है, जो भी क्रीम्स सीरम्स वो यूज़ करती हैं दैट हैज़ शोन अ वेरी गुड रिजल्ट ऑन हर फेस. सो या लेट्स बिगिन द वीडियो. सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट विच शी यूजेज आफ्टर क्लेंजिंग द फेस इज दिस ब्यूटिफुल बॉटल by L'Oreal Paris. So this is a Revital Lift Laser X into 3, like 3 power laser facelift. It's a new skin anti-aging power water. So is it ye ek tarah se toner ki tarah kaam karta hai aur like size 175 ml sufficient hai. इसका लिंक जो भी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप यू कैन गो एंड चेक इट आउट. इसकी स्मेल इट्स लाइक वेरी लाइट रोजी लिली काइंड ऑफ अ फ्रेगनेंस, बहुत प्यारी फ्रेगनेंस है. सो गाइज जब भी आप कोई टोनर भी अप्लाई करते हो इट्स नॉट लाइक फिस करके हो गया या सिर्फ डाब कर लिया, तो यू जस्ट हैव टू लाइक जैसे आप नॉर्मल क्रीम यूज करते हो तो आपको पूरा प्रॉपर ऐसे उसको ब्लेंड करना है, मर्ज करना है, कुछ भी बोल लो, बट बहुत अच्छे से आपको उसको ऑब्जॉर्व करवाना है स्किन में. आई होप आई एम मेकिंग इट क्लियर. देन आफ्टर दिस सो आई हैव टू सीरम्स. ये वो यूज करती हैं मॉर्निंग, मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ है लाइक बिकॉज वो भूल जाती हैं कि मैं इतनी सब चीज़ें हैं, मुझे कोई एक चीज़ें दो सिंपल सी मैं वो यूज़ कर लूँ. सो आई वाज लाइक नहीं, मैं फॉर योर सिंपलिसिटी फॉर योर कन्वीनियंस मैं सबके ऊपर लिख देती हूँ कब कौन सी क्या चीज़ें यूज़ करनी है. आई एम स्वेटिंग बिकॉज मेरा फैन ऑफ है. सो या मैंने इसका पहले भी रिव्यू दिया हुआ है, आई थिंक इंस्टाग्राम पे ही है मेरा. So you can guys please go and check. This is just like the niacinamide of the ordinary brand. So it's 30 ml. अभी बिल्कुल खत्म हो चुका है, but ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. Price मुझे इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है, but it's really nice. This is 10% metrixyl wrinkles and fine line reducing serum. Vegan and cruelty free, fragrance free. So it's very nice. जो ये चीज़ बोलते हैं वो इफेक्टिव है डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ रिंकल्स यू हैव ऑन योर फेस. देन इसके बाद आई हैव गिवन अ वेरी लाइक सिंपल बेसिक गार्नियर क्रीम, बहुत अफोर्डेबल है फॉर ऑल स्किन टाइप मुझे ऐसा लगता है बिकॉज शी इज लाइक नॉर्मल टू ड्राई स्किन एंड ये सब चीज़ें उनके ऊपर बहुत ईजिली जाती हैं. सो दिस इज द नेक्स्ट सीरम विच शी यूजेज, दिस इज बाय प्लम. बहुत ही अच्छा है, ग्रेप सीड्स इज वेरी गुड फॉर द ग्लो ऑफ स्किन. और जो फेस ऑयल्स होते हैं ना वो ड्राई स्किन के लिए बेस्ट वर्क करते हैं. इफ यू योर मदर हैव ड्राई स्किन सो प्लीज उनको आप ऑयल बेस्ड सीरम जरूर देना. देन वॉट नेक्स्ट यूजेज इज दिस लोटस हर्बल पाया ब्लेमिश सेफ्रॉन एंड पपाया क्रीम. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. इट स्मेल्स सो गुड, बिल्कुल ऐसे टर्मरिक और पपाया वाली स्मेल है. ये नाइट में यूज होता है और इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी क्रीमी और मतलब ऐसा बिल्कुल भी, ये देखो येलोइश थोड़ा सा लगेगा क्योंकि इसमें टर्मरिक है नेचुरल. जो भी मैंने आपको सारी यू नो क्रीम्स दिखाई हैं सारी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, बहुत इजीली अवेलेबल है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, कोई भी इसको अफोर्ड कर सकता है इजीली. सो या दैट्स ऑल आई हैव. मुझे ऐसा लगता है मेन जो स्किन केयर होता है या जो हमारी स्किन होती है वो डिपेंड करता है कि हम क्या खा रहे हैं. सो जस्ट ईट हेल्दी, स्टे फिट, दैट्स इट, दैट्स ऑल मैटर्स. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.